नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम धर्मस्थला में हैं। कल रात में हम यहां पर रुके, नेत्रावती गेस्ट हाउस। यहां पर हमको 700 रुपये में डबल ऑक्यूपेंसी रूम टैरिफ पड़ा। सुबह के 8 बज चुके हैं। सबसे पहले नीचे चलते हैं, यहां पर नाश्ता करेंगे। हमारा सेकेंड फ्लोर पर रूम है, तो यहां से नीचे का व्यू भी दिखाई दे रहा है। सामने तृप्ति उपहार कैफेटेरिया भी है। नाश्ता करने के बाद हम दिन भर यहाँ पर घूमेंगे। सबसे पहले म्यूजियम विजिट करेंगे, फिर दिन भर घूमते घूमते रात में हम मैंगलोर पहुंचेंगे। मैंगलोर यहाँ से 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हरीश जी कल से हमारे साथ हैं, हमें ये जर्नी करने में मदद कर रहे हैं। आप क्या लेंगे नाश्ते में? एक प्लेट इडली सांभर और एक प्लेट में एक इडली एक वड़ा। सुबह कितने बजे कैफेटेरिया ओपन होता है? 6 बजे। 6 बजे वो दूसरा चटनी क्या वो सेम है? सेम। अच्छा, सॉलिड है, वेरी टेस्टी इडली ना, अल्ट्रा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा बनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा, बढ़िया। तो अभी वैसे यात्री कम है, उसके बावजूद इतने लोग हैं, तो सैटरडे संडे काफ़ी ज़्यादा रहता होगा। ज़्यादा रहता है ना। तो 8 बज चुके हैं, यहाँ से हम 10-15 मिनट में निकलेंगे और म्यूज़ियम पास में ही है। अभी हम कार म्यूज़ियम की ओर जा रहे हैं। मेरे को हरीश जी ने बताया कि अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको इनके जो गेस्ट हाउसेज हैं वहीं पे रुकना है, क्योंकि प्राइवेट होटल्स यहाँ पे और कोई नहीं है। जैसे ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पर 2 गेस्ट हाउस हैं। अब हम यहाँ से इस तरफ को जाएंगे। अभी हमने आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगाया और मंजू शाह कार म्यूज़ियम को देखा। अंदर मोबाइल फ़ोन से या कैमरा से आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते। बहुत औसम इनके पास कलेक्शन है, 50 गाड़ियाँ हैं इनके पास और सारी की सारी गाड़ियाँ वर्किंग कंडीशन में हैं। हमने जो आज बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके पुराने मॉडल देखे, 70 साल पुराना, 100 साल पुराना, मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस, शेवरले के भी काफ़ी पुराने मॉडल्स थे। मैंने पुरानी एम्बुलेंस देखी कैसी होती थी, फायर ब्रिगेड कैसी होती थी आज से 100 साल पहले। कोई गाड़ी इन्होंने इंग्लैंड से मंगाई है, कोई यूएस से मंगाई है। तो ऐसा करते हर गाड़ी अपने आप कुछ ना कुछ बोल रही है, इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी हुई है। एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो कुछ समय यहाँ पर ज़रूर बिताइए, सुबह 8:30 बजे से लेके रात को 7 बजे तक। हाँ सर। चलो जी, अब एलिफेंट शेड कहाँ पर है? आगे है सर, पास में। हाँ, पास। चलेंगे। लो जी, हम एलिफेंट शेड भी पहुँच गए। वाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत छोटा बच्चा है, 4 महीने का बच्ची है और माँ और बाप आती है, पूरा परिवार है। हाँ, परिवार। सर यहाँ से अभी गोमटेश्वर बेटा जाने वाला है, इधर से लगभग 1/2 किलोमीटर है। पासी है? पासी है। आओ जी। ये बाहुबली गोमटेश्वर मूर्ति है, उसका ऊंचाई 39 फीट है। अभी का धर्माधिकारी परम पूज्य डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने 1982 में यहाँ प्रतिष्ठापन किया है। हर 12 साल को एक बार यह मस्तकाभिषेक होता है। अच्छा, ये जो यहाँ पर ऑफिस के बाहर फोटो है, ये मस्तकाभिषेक की? मस्तकाभिषेक का फोटो है। बहुत अच्छा। अब हम यहाँ से कहाँ चलेंगे? यहाँ से वेणूर चलेंगे हम। यहाँ से 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर है वेणूर। वेणूर धर्मस्थला से 1 घंटे का सफर करके हम वेणूर गोमतेश्वरा स्टैचू के पास पहुंच चुके हैं। गाड़ी नीचे खड़ी कर दी है, यहां से हम अंदर की ओर जाएंगे।
अभी हम वेनूर श्री बाहुबली स्टैचू के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ के मैनेजर हमारे साथ हैं। जो हमने इनसे समझा, मैं एक बार बताता हूँ, अगर मैं कुछ मिस्टेक करूँगा तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ये जो स्टैचू आप सामने देख रहे हैं श्री बाहुबली जी का, ये 1603 में बनाया गया, और जिन्होंने करकला का स्टैचू बनाया उन्होंने ही ये स्टैचू बनाया। सबसे खास बात जो इन्होंने मुझे बताई, जो सुन के एकदम हैरानगी होती है, कि जिन्होंने ये स्टैचू बनाया वो इंसान, उनका एक हाथ और एक पाँव नहीं था। तो उन्होंने एक हाथ और एक पाँव से पूरा स्टैचू एक ही स्टोन पे तैयार किया, और एक दिन में किया, एक दिन और एक रात में तैयार किया। इतने कम समय में अकेले पूरा स्टैचू तैयार किया उन्होंने, और 1603 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब स्टैचू जो तैयार हुआ उसके बाद स्टैचू को नज़दीक में ही लाया गया। वो जगह कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पे, तो वहाँ पे स्टैचू कुछ समय रहा। अब वहाँ से यहाँ स्टैचू लाने के लिए कुछ मीडियम चाहिए था। ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तो स्टोन टायर्स बनाए गए, उसको लुब्रिकेंसी देने के लिए उस पर केला लगाया गया। तो काफ़ी सारे स्टोन टायर्स थे जिसपे श्री बाहुबली स्टैचू को रखा गया, और धीरे 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 करके यहाँ पे लाके स्थापना की गई। ये सारी बातें आपने हमें बताई, बड़ी डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन मिली। हाइट क्या है स्टैचू की? 35 फीट हाइट सर। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो आप जब भी इस रीजन में ट्रैवल करेंगे तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। अभी हम वेनूर में हरीश जी के साथ एक यूनिट देखने आए हैं। यहाँ पर कोकोनट ऑयल पुराने मेथड से तैयार किया जाता है, जैसे ट्रेडिशनली तैयार किया जाता था। चलिए तो चलेंगे। इस एरिया में ना ग्रीनरी बहुत है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये एक बीच में यूनिट है, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, हरियाली हरियाली है। कोकोनट ट्री तो बहुत है यहाँ पर। हमारे साथ इस फैक्ट्री के ओनर हैं, इन्होंने हमें अपनी यूनिट दिखाई और कुछ हमें नॉलेज भी दी। तो सामने जैसे आप इतने सारे पेड़ देख रहे हो ना कोकोनट के, तो टेंडर कोकोनट जब तैयार हो गया तो उसके बाद 45 दिन तक 45 डेज तक वो पेड़ पे रहेगा, फिर आप उसको निकालोगे जब वो इस स्टेज पे होगा। एक तरह से वो सूख चुका है। आपने इसको खोला, खोलकर ये नारियल निकला, इसके अंदर पानी है, वाटर। तो पानी को पी लेंगे और कोकोनट जो बच जाएगा नारियल कोपरा, उसको ड्राइंग पे लगा देंगे। तो जितनी ज़्यादा ड्राइंग होगी उतना उसका मॉइस्चर एलिमेंट इवेपोरेट हो जाएगा और तेल बच जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, पुराना वाला मेथड, पहले एक जगह कोकोनट डाला आपने, वहाँ से तेल निकला, उसके बाद उसको जो बच गया कोपरा उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो वहाँ से और तेल निकल गया। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं कच्ची धानी का तेल। तो हमने जनरली, हम सबको होता है कि सरसों का तेल लेना है या नारियल तेल लेना है, तो हम कोशिश करते हैं कच्ची धानी का लिया जाए। उससे क्या है कि कम से कम एक सेटिस्फैक्शन होती है कि तेल हमारे सामने निकाला जा रहा है, मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल आता है। मार्केट में अभी क्या रेट है यहाँ पर एक लीटर का? 230 रुपीज़ पर लीटर। ओह लवली, वाह, ऐसे ही डायरेक्ट पानी पी लेंगे, वेरी गुड। मेरे को कोकोनट वाटर तो बहुत पसंद है। लवली लवली लवली। अब इसको भी खा लेते हैं। तो ये जो कोकोनट निकला इसको हम गुड़ के साथ खाएंगे, हैं? ये मैंने कभी आज से पहले ट्राई नहीं किया, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ऐसा। अच्छा। वाह, ये कॉम्बिनेशन मेरे को बेहद पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मैंने पहली बार ट्राई किया नारियल और साथ में गुड़, और ये गुड़ बड़ा स्वाद है। हाँ। ये गुड़ तो सर बहुत अल्टीमेट है। ये कोपरी के साथ काल, ये अभी कच्चा के साथ किया। ये ड्राई का है। ये ड्राई इसके साथ एक टेस्ट कैसा? ये काने बाद पूरा कौन सा अच्छा होता है? क्या अच्छा होता है? ड्राई कोकोनट के साथ इस तरह का ऑर्गेनिक गुड़ आप खा लो तो मैं बता रहा हूँ अच्छी अच्छी स्वीडिश भूल जाओगे, यही सुबह शाम खाओगे। ओ मैन,
सर हाईली इम्प्रेस सर, अभी हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। आज सुबह हम धर्मस्थला से चले, रुकते रुकते इस समय दोपहर के 1 बजे हम मूड बिद्री पहुंच चुके हैं। पड़ीवाल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं हम लंच करने के लिए, चले। ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है। हाँ सर। बेसिकली पत्ता गोभी है, कड़ी पत्ता और सरसों के बड़े बेहतरीन फ्लेवर्स हैं इस प्रिपरेशन में। मैंने यहाँ पर देखा जब से मैं यहाँ पर आया हूँ कि सांभर से ज़्यादा जो सब लोग हैं रसम के साथ राइस खाना पसंद करते हैं। हाँ सर। है ना। ये जैन स्पेशल अचार है जो बताया, इमली का। इमली का By God, क्या रसम का स्वाद है। सार मतलब रसम, क्या टेस्ट है, क्या फ्लेवर्स हैं। बड़े बड़े मसाले डाल के रसम तैयार करते हैं, बेहतरीन। हरीश जी की राय है कि रसम में आप बटर मिल्क ऐड करो, हैं? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा अच्छा स्वाद आएगा। अच्छा सर, पहले रसम पी लो। पहले रसम पी लेंगे। पी लो, उसका रसम का टेस्ट मिलेगा। अच्छा, मिक्स करने के बाद उसका टेस्ट मिलेगा। हल्का हल्का करारापन है, टमाटर की खटास है, जैसे काली मिर्च का फ्लेवर। हाँ, हल्का हल्का हींग, लवली। लो जी, रसम में हमने बटर मिल्क ऐड कर लिया, अभी सही है। बहुत डिफरेंट चीज बन गई है, तो अब ना मेरे को रसम लग रहा है ना मुझे बटर मिल्क लग रहा है, कुछ तीसरा ही टेस्ट आ गया इसमें। अच्छा, ये भी। हरीश जी, आप हमें बिल्कुल मस्त जगह ले आए हो, मज़ा आ गया। मतलब बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है यहाँ पर लंच करके। मिक्स वेजिटेबल गसी मतलब करी। थैंक यू। आपको दिखाने के लिए ना मैंने सऊदी का ही मंगवाया है, जो अभी हम गस्सी खा रहे हैं ना करी, उसमें ये है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तो मेरे को आपके यहाँ पे 2 चीज़ बहुत पसंद आई है, रसम और गस्सी, बहुत अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीट पायसम है, इसको ब्रोकन वीट से तैयार किया जाता है। ये एक तरह से ठीक है, लेकिन जो मेन हमने खाना खाया ना, इस जगह से मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया हूँ, खासतौर पे 2-3 चीज़। आज का लंच एंड करने से पहले मैंने अपने लिए एक और स्वीट डिश मंगवाई है, इसको बोलते हैं कट मंडी के। हाँ, मैंने ठीक बोला। हाँ सर। अच्छा, इसमें इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि मिट्टी का जो तवा होता है उसके ऊपर चावल की एक लेयर डालते हैं, मतलब उसके आटे की लेयर डालते हैं, ऊपर घी, फिर लेयर, फिर घी, ऐसा करके 4 या 5 लेयर से इसको तैयार करते हैं। साथ में इसमें शक्कर होती है। ओहो, बड़ा सॉफ्ट है। हाँ सर। वाह, तो ये लेयर है जिनकी मैं बात कर रहा था, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 7-8 लेयर है। ये
हर लेयर के बीच में शक्कर है और घी है। अच्छा ऐसे है ये, तो यानी 5 या 6 लेयर है। ओहो कट मंडी के, वाह। अच्छा टेस्ट है ये कि शक्कर काफ़ी ज़्यादा है। शक्कर ज़्यादा ज़्यादा में भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है हम बहुत सारी शक्कर खा रहे हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है, टू मच स्वीट रहते हैं। टू मच अच्छा रहता ही स्वीट है, टू मच स्वीट रहते हैं। मूड बिदरी में जहाँ हमने लंच किया वहाँ से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर अभी हम आए हैं 1000 पिलर जैन टेम्पल। अंदर चलेंगे। हम अभी टेम्पल के अंदर आए, यहाँ का आर्किटेक्चर देखा, बहुत अच्छा लगा। भाई साहब हमारे साथ हैं, यहीं के स्टाफ हैं, इनसे हम डिस्कस कर रहे थे और इन्होंने भी हमें एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर टोटल 1000 पिलर्स हैं। और सबसे ख़ास बात क्या है, कोई भी दो पिलर का डिज़ाइन आपस में नहीं मिलता, हर पिलर का एक डिफरेंट डिज़ाइन है और हर पिलर कुछ ना कुछ स्टोरी बता रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ बता रहा है। तो अभी इन्होंने मेरे को 2 मिनट पहले ही एक्सप्लेन किया था, मैं आपको उस पिलर के पास चल के दिखाता हूँ, आइए। तो इन्होंने हमें ये पिलर दिखाया, पिलर के ऊपर आप देख सकते हैं भगवान राम लक्ष्मण, साथ में वानर सेना, जब सेतु तैयार कर रहे थे लंका जाने के लिए, सबके हाथ में पत्थर है और पानी में डाल रहे ब्रिज बनाने का सेतु बनाने के लिए। सेतु इस पिलर में अगर आप ऐसा देखो तो लगता है कि 2 घोड़े हैं, ठीक है, और अगर हाथ ऐसे रख लो तो हाथ ही दिख रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे 1008 पिलर हैं एक्चुअली में। ये फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर सेकंड और थर्ड फ्लोर है, ऊपर नहीं जा सकते। अभी हम माथा टेकने गए थे, यही हमको लेकर गए, तो इन्होंने बताया कि जो अंदर मूर्ति है वो 8वें तीर्थंकर जी की है, तीर्थंकर चंद्रप्रभा। अच्छा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कुछ देर पहले इन्होंने जिक्र किया कि स्वामी जी भी आश्रम में है, तो अंदर चल के स्वामी जी से मिलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन काशी मूल बद्री क्षेम वेणुपुरा और मूल बद्री रूप से ये प्रसिद्ध है। ऐसा परम पुनीत जैन काशी मूल बद्री का लास्ट मंदिर है, अंतिम मंदिर है। वो 1430 में निर्माण हुआ था, 1496 में पूर्ण हुआ था। 1008 जिनेंद्र बिंब का स्तंभ का मंदिर है, लोग बोलने के लिए इजी हो जाते हैं इसलिए 1000 स्तंभ का मंदिर रूप से वो प्रसिद्ध है। और इसमें 3 मंजिल है, नीचे का मंजिल में भगवान देवादिदेव चंद्रप्रभु स्वामी का 9 फुट ऊंच का 700 घर का लोग सोने दान करके उस 9 फुट ऊंच का सुंदर मूर्ति निर्माण किया था। वो गोल्डन लुक है, बहुत अच्छे भगवान हैं और सुंदर 9 ताल में निर्माण हुआ है। इस तीर्थ का मंदिर का एक स्ट्रक्चर देखते हुए ब्रिटिश ने वाइसराय हाउस दिल्ली में बनाए थे और वो अभी प्रेसिडेंट हाउस रूप से, राष्ट्रपति भवन रूप से प्रसिद्ध है। और यहाँ पूरा भारतवर्ष नहीं, देश विदेश से भी लोग देखने के लिए आते हैं। संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय जीवन का परम उद्देश्य है। इस रूप से वहाँ धर्म और अर्थ संपादन करना, काम से ही निरत नहीं होना, भोग से ही निरत नहीं होना, इसलिए मोक्ष अपना जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए वहाँ त्रिकाल तीर्थंकर का चित्र अंकित किया है। ऐसे सुंदर मंदिर में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मंगलम मस्तु, शुभाशीर्वाद। हम सोन्स फार्म पहुंच चुके हैं, यहाँ आकर हमारी मुलाकात मिस्टर एलसी सोन से हुई, उनके ब्रदर हैं साथ में। तो इन्होंने हमें सबसे पहले पाइनएप्पल जूस दिया, कह रहे हैं इसके अंदर शुगर नहीं है, वाटर नहीं है और किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो आप इसको पहले इंजॉय करो, फिर आपको फार्म दिखाते हैं। थैंक यू। ओह बड़ा डिफरेंट टेस्ट है सर,
पाइनएप्पल जूस भी हम कभी कभी पीते हैं, लेकिन ऐसा टेस्ट हमने कभी नहीं पिया, अ लॉट डिफरेंट। अभी हमें सर ने बताया टोटल फार्म 100 acres में है, तो चाहो तो आप पैदल घूम सकते हो, लेकिन उसमें तो फिर आपको पूरा दिन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इस प्रकार से जीप सफारी कराते हैं, तो 80 rupees पर पर्सन गाइडेड टूर, तो आपको बताते जाते हैं कि ये मेन मेन वेजिटेबल्स हैं या जैसा आप देखना चाहते हो। तो 80 rupees पर पर्सन फॉर 1 hour, दिस इज द चार्ज। तो हम अभी इनके साथ चलते हैं और 1 घंटा पूरा फार्म चलकर देखते हैं, चले okay. तो विनोद जी जाएंगे हमारे साथ जो इनके बेटे हैं। जैसे ही हम फार्म के अंदर आए, इन्होंने हमें चालता का पेड़ दिखाया, ये देख लीजिए, मेरे को याद आ गया इसको देखते हुए, जब हम असम गए थे ना तो वहां पर हमने देखा था ये, दे कॉल दिस ओ टेंगा इन असम, चालता एलिफेंट एप्पल, एलिफेंट एप्पल इज टेंगा, लवली। यहाँ पर इनके पास बैम्बू की 50-55 वेराइटीज़ हैं, बड़ी बात है, मतलब इस पूरे एरिया में आप ग्रो कर रहे हो, वाओ। दैट्स कोको, दैट्स वन ऑफ द मेन क्रॉप्स ऑन द फार्म हियर, एंड दैट गोज फॉर चॉकलेट, दे मेक चॉकलेट आउट ऑफ कोको। दिस इज दैट्स द टीक ट्री, टीकवुड। ये जयफल का प्लांट है, तो अभी मई और जून में इसका सीजन होता है, अभी समय है इसको। दिस प्लांट हियर इज कॉल्ड द पान मसाला प्लांट और द माउथ फ्रेशनर प्लांट, इट्स फ्रॉम असम एरिया, दे यूज इट एज माउथ फ्रेशनर। ऐसा लग रहा है जैसे पान और सौंफ का कॉम्बिनेशन खा रहे हैं। Nice. This small tree here, that's called the balsa wood. The tree grows very fast, so the wood is light and soft. They use it in aeroplane models. Formerly, they used to use it in aeroplane furnitures. Okay. So, how old is this tree? This is just around 2 or 3 years old. काफी fast grow कर गया. Very fast. इन्होंने बताया कि ये मैमे सपोटा बोलते हैं इस फ्रूट को, तो जैसे हमारा इंडिया में चीकू होता है, डिफरेंस ये है कि इसका साइज बड़ा रहता है और पूरा 1 साल लगता है इसको मैच्योर होने में। दिस इज सिट्रन, इट्स फॉर मेकिंग पिकल, इट्स अ वेरी थिक फ्लैश यू गेट एंड बिटर इन टेस्ट, स्वीट सावर एंड बिटर, एंड गोस वेरी वेल फॉर पिकल। ओके, ऑल स्पाइस इज अ स्पाइस, द लीव्स आर यूज फॉर मेकिंग गुड tea masala, or even your cooking you can use. It's a combination of clove, cinnamon and nutmeg. Okay. All in one. Oh. Kya baat hai? This would be about 2 kg. This is less, slightly around 2 kg. Around 2 kg. फार्म टूर हमने विनोद जी के साथ शुरू किया था, आधे रास्ते में उनको कुछ काम आ गया तो उनके अंकल ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें पूरा फार्म दिखाया। आज की लर्निंग ये है कि अगर आप यहाँ अप्रैल मई जून जुलाई में प्लान करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा वेजिटेबल फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, फिर बाकी जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, वो तो राउंड द ईयर आती रहती हैं जाती रहती हैं। नाइस विजिट, और 2-3 घंटे का समय चाहिए अगर आपको मिनिमम लेवल पे भी एक्सप्लोर करना है, बाकी हमने 1.5 hours स्पेंड किया। तो वी आर नाउ गोइंग टू करकला, कितना देर लगेगी पहुंचने में? 15 minutes का रास्ता। इस
इस समय हम करकला पहुंच चुके हैं। आज मैं सुबह से हरीश जी से डिस्कस कर रहा था तो ये बोल रहे थे करकला में आपको हम मिस्टर राधा माधव जी से मिलवाएंगे। सुबह से कम आपके बारे में हमने ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 बार तो जिक्र किया होगा। हर आधे घंटे एक घंटे में बात होती थी करकला कितने बजे पहुँचेंगे। और जानते हैं यहाँ हम क्यों इनके बारे में बार बार जिक्र कर रहे थे, क्योंकि ये हस्तकला का काम करते हैं। तो अभी इनके हम वर्कशॉप में आए हैं जहाँ पर ये काम करते हैं, और सामने हम कुछ मूर्तियों के बारे में भी आपको जिक्र करेंगे और बात करेंगे। उससे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे जो मेरी आपसे बात हुई और आपने बताया कि धर्मस्थला में जो हमने स्टैचू देखा वो इनके दादाजी ने बनाया था, और जब वो उस स्टैचू पे काम कर रहे थे तब आपकी उम्र क्या थी? मेरा तो 10 साल था। कुछ क्या उम्र से आप इस काम में? 18 साल से, मेरा 18 साल, 40 साल पहले। तो अभी आप 40 साल से ये काम करते हैं। ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, ये केशव की मूर्ति है, इसमें श्रीदेव और भूदेव के साथ में है ये मूर्ति। नॉर्मली विष्णु का हाथ में कैसा रहता है, उधर चक्र और इधर शंख रहता है, ऐसा ये घूमते ही रहता है, ऐसा 24 टाइप्स में ये कर सकते हैं। तो ये भगवान विष्णु की मूर्ति आप किसके लिए तैयार कर रहे हैं? ये हैदराबाद का करीमनगर करके है, उधर का मंदिर के लिए हम बना रहे हैं। देखिए इसका पीछे भी काम करते हैं हम। अच्छा, पहले वैसे पीछे पत्थर रहा? पहले क्या करते हैं, ऐसा लेवल करते हैं फर्स्ट, और नीचे का लेवल करते हैं, उसका बाद सेंटर लाइन लेते हैं, वो सेंटर लाइन आगे से लाते हैं। अच्छा, इधर उसका बाद जो निकालना है मार्किंग करके वो सब निकाल के स्टेज बाय स्टेज हम फिनिश काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। आप जब भी मैंगलोर या धर्मस्थला आएंगे तो आप यहाँ करकला आ सकते हैं और इस वर्कशॉप विजिट करके काम को और नज़दीक से देख सकते हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। संडे को इनकी वर्कशॉप क्लोज रहती है। अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके काम को देखकर, जितनी तारीफ कर लो शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं इस लेवल पे ये बात को आपको जाने से पहले बोलना चाहता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। तो दोबारा मौका लगेगा ज़रूर मुलाकात करेंगे। जरूर आइए। धन्यवाद हरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हमें ये टूर पूरा करवा दिया। अगर आप हमारे साथ नहीं चलते तो शायद इतने अच्छे से हम नहीं कर पाते। ठीक है, इनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, यहाँ से ये निकल रहे हैं। फिर दोबारा मैंगलोर आएंगे तो ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी शायद सर। धन्यवाद। 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 सुबह से घूमते घूमते रात के 9:30 बजे हम मैंगलोर पहुँच चुके हैं। डिनर करने के लिए हम आए हैं बॉम्बे लक्की रेस्टोरेंट। यहाँ की बिरयानी फेमस है, चलिए अंदर चल के बिरयानी खाते हैं। मैंने ना अपने लिए 1/2 प्लेट बिरयानी मंगाई है, साथ में चिकन पेपर फ्राई ये करी दी है और सैलड दिया है। सैलड में आप बटर मिल्क देख रहे हैं। भूख थोड़ी कम थी इसलिए मैंने 1/2 प्लेट मंगाया। इसमें ना एक चिकन पीस रहेगा। ये रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है इस एरिया में बिरयानी के लिए। लग रहा था कि कम है लेकिन एक आदमी के लिए 1/2 प्लेट सफिशियंट है। बिरयानी का जो मसाला है ना उसके अंदर मसाले पिसे हुए हैं, इलायची दालचीनी के जो नॉर्मल फ्लेवर्स आने चाहिए वो इंटैक्ट हैं। ओवरऑल गुड टेस्ट। चिकन का टेस्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, नाइसली कुक्ड चिकन पेपर फ्राई। यहाँ की फेमस चिकन प्रिपरेशन है ये, आपको जगह जगह खाने को मिलेगी। बहुत अच्छा बनाया है, काली मिर्च का फ्लेवर, ऑब्वियसली पेपर फ्राई है तो काली मिर्च और थोड़ा थोड़ा तीखा, ऑसम। चिकन पेपर फ्राई मेरे को काफ़ी पसंद आया। ये रेस्टोरेंट रात को 12 बजे तक खुला होता है, इस समय 10 बजने वाले हैं। बाकी का फूड हम फिनिश करते हैं और आपको यहीं पे बाय बाय कर देते हैं। आज की जर्नी हमारी यहीं पे एंड हो रही है। रात में हम यहीं पे मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास एक होटल है फैब मेट्रो हाइट्स करके,
जहाँ पर हम पहले रुके थे वहीं पे रुकेंगे और आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात करते हैं, जो आप अगली जर्नी में देखेंगे जो हमारा कल का सफ़र होगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।